Sagittarius. Welcome to Happy Tarot. इस reading में हम जानेंगे की आपका डिसेमर फो से ट्वेंटी का वीक कैसा रहने वाला है तो स्टार्ट करते हैं आपके टारो का पहले देखेंगे की इस हफ्ते आपके जॉब या करियर की सिचुएशन कैसी रहेगी तो उसके लिए हमारे पास है फाइव ऑफ स्वाद एट ऑफ स्वाद्स और किंग ऑफ कप साजटेरियस आप में से बहुत लोग अभी जो भी नौकरी कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं खास करके इसलिए क्योंकि आपके कई सारे ये नौकरी छोड़कर जा चुके हैं और इसीलिए भी आपको और ज्यादा अंदर से वो खुन्नस हो रही है कि सब लोग एक एक करके जा रहे हैं छोड़ के या निकाला जा रहा है जो भी रीजन हो और मेरी गाड़ी समाव आगे नहीं बढ़ रही है लेकिन क्योंकि यहां पर हमारे पास किंग ऑफ कप्स भी मौजूद है तो ये शो कर रहा है कि आपको भी मालूम है कि ये जो कोई भी काम है ये आपको इमोशनल खुशी देता है कहीं ना कहीं आप हालांकि वो बहुत ज्यादा जाया नहीं करते हैं आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं उस बात को लेकिन ये फैक्ट है और एट ऑफ स्वर्ट्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आपके काम में अभी जो भी सिचुएशन चल रही है वो इतनी खराब नहीं है जितना आपको लग रहा है क्योंकि ये एनर्जी अक्सर रिप्रेजेंट uh, करती है तिल का कार्ड बनाना किसी चीज को बैठकर ओवर थिंक करते रहना सोचते रहना सोचते रहना जबकि परेशानी उतनी बड़ी है भी नहीं और वही यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो बावजूद इस फैक्ट के कि आपको पसंद है जस्ट बिकॉज बाकी लोग छोड़ छोड़कर जा रहे हैं या उन्हें निकाला जा रहा है तो आपको लग रहा है सब तो जा रहे हैं मैं क्यों यहां पर हूं अभी भी इस माइंडसेट से इस हफ्ते आपको टैकल करना है आपको खुद को इस चीज से बाहर निकालना है और खुद को याद दिलाना है कि आपने अपने लिए ये फील्ड क्यों चुनी थी आपने ये काम ये प्रोफाइल क्यों चुनी थी क्योंकि यहाँ पर आपको खुशी मिलती है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं है ये किंग ऑफ कप्स है ये काम आप पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं मतलब ऑफ कोर्स एंड गोल तो यही होता है कि अच्छी सैलरी मिले पैसा मिले बट सैजिटेरियस यहां पर यह क्लियरली नजर आ रहा है कि आपको ये काम करने में खुशी भी मिलती है अनफॉर्चुनेटली इस खुशी को इस इमोशनल फैक्टर को आपने बहुत गहराई में दबा दिया है और आप अपने मन में उलझ कर रह गए हैं इसीलिए इस हफ्ते आपको इस जॉब के प्रति जो आपका शुरू में लगाव हुआ करता था कंपनी आप हटा दीजिए आप अपनी जो आपकी जॉब प्रोफाइल है आप जो काम करते हैं जो आपकी लाइन है उस चीज के प्रति शुरुआत में जो आपका पैशन हुआ करता था उसको वापस से जागृत करने की इस हफ्ते आपको जरूरत है ऑल राइट right. अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ इस हफ्ते कैसे रहने वाली है तो उसके लिए हमारे पास है डेथ्र और टू ऑफ पेंटिकल्स आप किसी स्कॉपियो या एरी से डील कर रहे हैं शायद इस वक्त जरूरी नहीं है यही उनका साइन हो बहरहाल कोई इंसान है जो आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहा है बट बहुत कंफ्यूज है वो इस चीज को लेकर क्यों क्योंकि उनकी लाइफ में इस नई शुरुआत में और आप तक आने में बीच में जो रास्ते का कांटा है वो है ये दी एम्प्र की एनर्जी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी फिगर इनकी लाइफ में है जो इनको अपने इशारों पर नचाता है ये इनके फादर हो सकते हैं या फादर समान कोई व्यक्ति घर में कोई बुजुर्ग जिसकी बहुत चलती है वो चीज यहां पर दिखाई दे रही है आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान आपसे डिस्टेंस पर भी रहता है अनाथ मैसेज जरा हम कि आप लोगों को इस हफ्ते एक से ज्यादा इंसान अप्रोच कर सकता है और ये बता सकता है कि वो आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड है इनमें से एक इंसान आपसे उम्र में कम होगा और दूसरा आपसे उम्र में ज्यादा होगा और आपको ये फैसला लेना होगा कि आपको ये पसंद है या ये कोर्स आपकी मर्जी आप दोनों को ही रिजेक्ट भी कर सकते हैं या किसी एक को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं बट फॉर द मोस्ट ऑफ यू जो यहाँ पर सीन नजर आ रहा है वो ये है कि ये आपका कोई पास्ट का पर्सन है जो दोबारा आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहा है लेकिन आपके पास आए या फिर इस कंट्रोलिंग फिगर की बात माने रहे और कोई एक्शन ना ले इस दुविधा में इस हफ्ते ये इंसान जिएगा खुद भी और आपको भी इस हफ्ते ये अपनी हरकतों से इन्हीं हरकतों से कंफ्यूज रखेगा शायद जब आप ये रीडिंग सुन रहे तो आपको ऐसा लग रहा हो कि यार इतनी क्या मुश्किल है अपने दिल की बात बोलने में बोल दो कि तुम मुझे लाइक करते हो और इस इंसान के खिलाफ जाकर आ जाओ मेरे पास में ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आ सकते हैं लेकिन हमें नहीं मालूम है कि इनके घर का एग्जैक्ट सीन क्या है चीजें कितनी खराब हो सकती हैं अगर ये इस इंसान के विरोध में खड़े हो गए तो तो बहुत कुछ सोचना समझना इस इंसान को इस हफ्ते करना पड़ेगा और जब तक वो इस उथल पुथल से डील नहीं कर लेते हैं तब तक वो इस हफ्ते ऑफकोर्स आपकी ओर कोई एक्शन नहीं लेंगे लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आपको इस बारे में खबर नहीं थी तो किसी ना किसी अंदाज में आपको वो ये बात कम्युनिकेट कर सकते हैं कि वो आपके पास इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि किसी की रोकथाम यहां पर है ऑल अब देख लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से इस हफ्ते आपके लिए क्या एडवाइस है तो हमारे पास है गोट और रैट ऑल राइट तो ये कार्ड सो क्यूट ओके तो ये कार्ड हमें बता रहे हैं कि आपको इस हफ्ते किसी की बातों में नहीं आना है अपनी इंटरनल गाइडेंस को आपको फॉलो करना है अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना है ऐसे भी हो सकता है कि आपने मेरी या किसी और की कोई रीडिंग देखी हो और उसमें आपको बोला गया हो कि फॉर um, एग्जाम्पल नहीं तुम अपनी तरफ से अभी इस इंसान को मैसेज मत करना या अपनी तरफ से कोई एक्शन मत लेना फलाना टमकाना कुछ भी जो भी आप सुनते हो जो भी आपको एडवाइस मिलता हो लेकिन यहां पर स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि इस हफ्ते बहुत स्ट्रांग जरूरत है कि आप अपनी सुने अपने दिल की सुने अपने इंटुशन की सुने अपनी गट फीलिंग की सुने अगर आपको अंदर से कोई एक्शन लेने का बहुत स्ट्रांग कॉलिंग आ रहा है तो आप वो एक्शन लो आप वो चीज करो कोई फोन हो आप करो कोई मैसेज हो आप करो आपकी जॉब से रिलेटेड कोई डिसीजन हो तो आप लो आपको अपने ऊपर भरोसा करते हुए इस हफ्ते फैसले लेने हैं और रैट कार्ड भी हमें यहां पर सिमिलर मैसेज दे रहा है कि आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं गवानी है बेसिकली किसी और के कहने पर आके आपको कुछ नहीं करना है आपको जो सही लगे इस हफ्ते आप सिर्फ और सिर्फ वही करिए चाहे वो छोटे से छोटा फैसला हो या बड़े से बड़ा फैसला जो आपको सही लगता है साजिटेरियस आप सिर्फ वही करिएगा और राइट आप स्पिरिट की तरफ से एक क्लोजिंग मैसेज ले लेते हैं आपके लिए फॉर दिस वीक तो हमारे पास है वाओ ब्लेस और ट्रांकलिटी ओके ट्रांक्वेलिटी कार्ड हमें यहाँ पर बता रहा है कि इस हफ्ते आपको थोड़ा मी टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा भले ही आपका स्केड्यूल जितना भी बिजी हो थोड़ा समय आप निकालिए वो एक्टिविटीज करने में जो आपको करना पसंद है चाहे वो आ, कोई मूवी देखना हो गाने सुनना हो डांस करना हो थोड़ी पेंटिंग वगैरह करना हो जिस भी चीज का आपको शौक हो थोड़ा समय अपने लिए इस हफ्ते जरूर निकालिएगा और ब्लेसेड चेंज कार्ड हमें यहाँ पर बता रहा है कि इस हफ्ते पहली चीज तो कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है और दूसरा कोई ऐसा चेंज स्टार्ट हो सकता है होना जो आपकी लाइफ बिल्कुल पलट कर रख देगा फॉर द बेटर कोई ऐसा बड़ा चेंज आपकी लाइफ में इस हफ्ते हो सकता है जो आपकी जिंदगी सुधारने की काबिलियत रखता है तो आप में से बहुत लोगों को एक बहुत ग्रैंड सरप्राइज इस हफ्ते मिल सकता है साजडेज आई awesome. होप आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा बीते अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आपसे अगली बार मिलती हूँ बाय